भाभी, क्या चाहती हैं आप? मैं जहर खा के मर जाऊं फिर मेरी जान छोड़ेंगी आप? ये क्या कह रही हो तुम? अरे जुगनू मेरी बच्ची, किसके साथ आई हो? खुर्रम साथ में ही है तो वो बाहर क्यों है? बुलाओ उसे अंदर। हो अंदर बुलाऊं ताकि सारी दुनिया के साथ साथ वो भी तमाशा देखे कि मेरे अपने सगे घर वाले सारे जहान में मुझे किस तरह से जलील और रुस्वा कर रहे हैं। बस जुगनू, बहुत हो गया। जितना मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूं उतना ही तुम मेरे सर पर चढ़े जा रही। बदतमीजी और बदलिहाजी की इंतहाई कर दी है तुमने। क्या करूं मैं? इतना बुरा किया है आपने मेरे साथ शुरू से। अभी भी मुझे सारे जग में बदनाम कर रही हैं। दम तो ले लो मेरी बच्ची, मुझे तो बताओ आखिर बात क्या है? तुम्हारी माँ भी जिंदा है और मेरे जीते जी इस घर में कौन है जो तुम्हारा बुरा चाहेगा? आप तो रहने दे अम्मी, आपके होते हुए मुझे उस जहन्नुम में धकेला गया। मैंने सिर्फ रिश्ता बताया था, बंदूक नहीं रखी थी आप लोगों के सरों पे कि जबरदस्ती इसकी शादी वहां खुर्रम के साथ की जाए। अम्मी सुन रही है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे इसकी छोड़ो, अपनी बताओ। इतने गुस्से में क्यों हो? आते ही चिल्लाने लग गई हो, कुछ बताओ तो सही। ये सिदरा के घर जाके, मोहल्ले में जाके मेरी बुराइयां, मेरी बदनामी कि मैं अपना घर नहीं बसा पा रही, अपने भाई अपनी माँ को जलील कर रही। अब मुझे बताएं मैं कैसे सुनूं ये बातें, कैसे सहलूं ये सब कुछ अम्मी? क्या क्या कह रही हो? कौन गया सिदरा के घर? ये आपकी बहू रानी, जिन्हें आपने फूलों की सेज पे बिठाया, आपकी बेटी के लिए कांटों का बिस्तर बनाकर भी ना, इन्हें कोई ठंड नहीं पड़ रही। ये जो कुछ कह रही है वो ठीक है? सॉरी लगी तो नहीं, एक तो लड़कियां शॉपिंग करते हुए ध्यान पता नहीं कहां समझते क्या शहीन मारिया। What a coincidence! तुम्हारे पास टाइम है तो बैठ सकते हैं कहीं? Sure. ऊपर है एक प्लेस सर। चलो। सोनिया, बैठो यहाँ पे। क्या हो गया सोनिया? कब तक ये नाराजगी चलेगी? बस कर दो ना। इतनी माफी मांगी है तुमसे, और कहती हो तो और मांग लूंगा, लेकिन प्लीज अपना गुस्सा थूक दो और मुझसे बात करना शुरू कर दो। सबर का और इम्तिहान तो मत लो ना। तुम अपने सबर का ऐलान ना जाके किसी स्पीकर पे करो। 2 दिन मुझ पे क्या गुजरी उसका ख्याल है तुम्हें? सोनिया, यही तो मैं चाहता हूँ। तुम बताओ मुझे, मुझसे बात करो कि क्या तुम पे गुजरी है। तुम्हारी आवाज सुनने को कान तरस गए हैं मेरे। बात तो करो मुझसे। झूठे दिलासे मुझे मत दो। 2 दिन गुजर गए ना, बाकी के दिन भी ऐसे ही गुजर जाएंगे। पता है ये 2 दिन कैसे गुजरे हैं? इतने ब्लंडर्स किए मैंने ऑफिस में, इतनी डांट पड़ी है मुझे बॉस से। पढ़नी भी चाहिए तुम्हें डांट। ठीक है सोनी, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं और गलतियां करूंगा ताकि मुझे डांट पड़े, लेकिन प्लीज तुम तो अपना मूड ठीक कर लेना सोनिया, प्लीज। ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। सोनिया ऐसा क्या हो गया यार? तुम्हारी अम्मी के गिफ्ट्स भी एक्सेप्ट कर लिए मैंने, उनसे माफी भी मांग ली मैंने। और क्या चाहती हो तुम? क्या करोगे तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा? अच्छा ऐसा करते हैं, आज बाहर खाने पे चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। सोनिया कैसी जिद है यार, बस कर दो प्लीज। मैं जिद कर रही हूँ? मैं जिद कर रही हूँ तो और कौन कर रहा है? तुम अपने साथ उसको लेके जाओ जो जिद नहीं करती, जो कि जुगनू है। सोनिया कुछ तो है ना तुम दोनों के बीच, इसीलिए तुम उसको उसके ससुराल लेके गए थे ना। अब बोल दो कि ऐसा नहीं हुआ। शुक्र है तुम्हें चोट नहीं लगी। हाँ, वरना मुझे गाड़ी तक कौन लेके जाता? मैं ले जाता, आज चोट लग जाती। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि 3 साल बाद तुम ऐसे मिल जाओगे। मैं तो तुम्हें भूल गई थी। एंड देन तुम हायर स्टडीज के लिए यूके गए थे ना? जी जी जी, और कोई 2 मंथ्स हुए हैं मुझे वापस आए हुए। काफी सारे फ्रेंड से मुलाकात भी हुई है। इनफैक्ट मैं 2-3 दिन पहले ही तुम्हारे बारे में किसी से पूछ भी रहा था। किससे? फरवा से। फरवा से तो तुम काफी टाइम तक कनेक्ट में थे ना? फैमिली टर्म्स हैं हमारे, और कनेक्ट में तुमसे भी रहता। अगर तुम मेरे साथ वो सब कुछ ना करती जो यूनिवर्सिटी के लास्ट डे तुमने किया था, अगर तुम मेरे साथ वो मजाक ना करते। तुम्हें पता था कि मुझे इस तरह के प्रैंक बिल्कुल नहीं पसंद। एंड आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो गई है, मामा परेशान होगा। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। No, it's okay. मैं चली जाऊंगी। मारिया, वो प्रैंक नहीं था। कनेक्ट में तुमसे भी रहता। अगर तुम मेरे साथ वो सब कुछ ना करती जो यूनिवर्सिटी के लास्ट डे तुमने किया था, वो प्रैंक नहीं था। मेरे बारे में इस तरह की घटिया बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है सोनिया। मैं आपकी बीवी हूँ और मुझे इस बात का हक है, बल्कि ये बात मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। सोनिया, कोई इस तरह की बात मत करो कि मुझे अपने आप से घिन आने लगे, समझ रही हो ना? कैसे बताऊं तुम्हें मैं, कैसे समझाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं कि वो मेरे लिए एक छोटी बहन से भड़के और कुछ भी नहीं है। तुम्हारी कसम उठाऊं या फुफो की, बताओ? उस दिन वो सड़क पे रोते रोते जा रही थी, मैं और क्या करता? वो रोते हुए जा रही थी। माई पेरेंट्स केम टू आवर प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आए थे वो लोग। सुबह से शाम बैठे बैठे वापस चले गए और तुम अपनी दोस्त के आंसू पोंछ रहे थे। ठीक है सोनिया, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अपनी सफाई में और कुछ नहीं कहूंगा। हमजा, मुझे तुम्हारी बात का यकीन है। इसीलिए ज्यादा तकलीफ हो रही है। प्लीज मेरी बात का यकीन कर। जो तुम जुगनू के बारे में सोचते हो वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। सोनिया, तुम फिर से गलत बात कर रही हो। मैं आपका यकीन करती हूँ ना, तो आप भी मेरी बात का यकीन करें हमजा। अल्लाह ने औरतों को ये सलाहियत दी है कि वो किसी की भी नजरों में बदनीयती देख के परख लेती है। तो मेरी बात सुन लो, वो तुम्हारे बारे में वो नहीं सोचती जो तुम उसके बारे में सोचते हो। उसकी नियत कुछ और है और ये मेरा वहम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसे क्या देख रही? मुझे नहीं पता था कि तुम वापस आओगी। जब मैं तुम्हें ड्रॉप करने गया था और तुमसे पूछा था, तुमने जवाब ही नहीं दिया था। अच्छा, मैंने सुना नहीं होगा फिर। अम्मी भी खफा हो रही थी कि मैं 3 दिन पहले आई थी और अब फिर आ गई। क्यों? अम्मी ने ऐसा कहा क्या? हाँ, मैंने भी उनसे कहा कि क्या मैं अब इतनी गैर हो गई हूँ कि अपनी माँ से मिलने के लिए पहले दिन गिनूं कि मैं कब आई थी और अब कब जाऊं। वैसे जुगनू, मैंने तो तुम्हें नहीं रोका कभी भी जाने के लिए और ना कभी रोकूंगा। आप हैं ही इतने अच्छे। अल्लाह ताला ने मेरी किसी नेकी का बदला आपकी सूरत में दिया है। तुम इतनी अच्छी हो, क्या ये कम है मेरे लिए? मेरी जिंदगी का असल इनाम तो तुम हो। अच्छा, तुमने बताया नहीं कि तुम मम्मी की तरफ क्यों गई थी अचानक से? अच्छा, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे? क्यों मजाक उड़ाऊंगा? आप तो अभी से हंस रहे हैं। अरे नहीं, मैं तो ऐसी। अच्छा ठीक, मैं नहीं हंस रहा, बताओ क्यों गई? ना, रात में अजान से पहले ना बहुत बुरा ख्वाब देखा था, अम्मी और भाई को लेकर। और अम्मी कहती हैं सबके ख्वाब सच्चे होते हैं, तो बहुत डर गई, परेशान हो गई। मैं इसीलिए अम्मी की तरफ गई थी और सबसे पहले मैंने भाई और अम्मी का सदका दिया, तब जाके मेरे दिल को चैन आया। जुगनू, तुम खुद जितनी प्यारी हो ना, तुम्हारा दिल उतना ही प्यारा है। वरना आजकल कहाँ होती है इतनी मुखलिस मोहब्बत करने वाली लड़की। आपको मैं मिल गई ना, काफी है आपके लिए। अरे सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि मेरी तो खुशनसीबी। क्या हुआ? ठीक है आप? एसिडिटी हो रही है, पानी पिलाओ थोड़ा। हाँ मैं अभी पानी लाती हूँ। मम्मी से माफी मांगो। अचार डालने मैंने इसकी माफी का क्या? मेरी बच्ची का उस घर में इसने रहना मुश्किल कर दिया और यहाँ आना भी। वो सिद्रा सारा दिन वो मोहल्ले में फिरती है, किस किस घर जाकर उसने मेरी बच्ची की चुगली नहीं की होगी। लोग धू धू कर रहे होंगे मेरी तरबियत पर। अम्मी, सिद्रा ऐसी नहीं है। शाबाश, शाबाश है तुम्हारे भाई होने पे। पराई लड़की की सफाई दे रहे हो और मेरी बेटी बुरी है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे सिद्रा के घर नहीं जाना चाहिए था उससे पूछने के लिए। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी मैं। साहब निकल जाए ना शील बीबी, तो लकीर पीटने से कुछ हासिल नहीं होता। तो अम्मी फिर क्या करें हम? बता दें क्या चाहती हैं आप, किस तरह से आप मुतमईन होंगी? अरे मेरा इत्मीनान तो उसी दिन खत्म हो गया था जब मैंने अपनी बच्ची को उस घर में जलील होते देख लिया। क्या क्या सह रही होगी वो। अच्छा अम्मी देखें, अगर आप कहती हैं तो मैं खुर्रम से जाकर बात करूं। हाँ, ताकि उसका बसा बसाया घर उजड़ जाए। अम्मी हद कर दी आपने भी ना। जुगनू को आप वहां रखने पर खुश हैं ना, यहां से कोई बात करे। अजीब दिमाग खराब करके रख दिया है। दिन भर दफ्तर में सर खपाओ और यहां घर आकर घर वालों से जूते खाओ। मैं तो कल दफ्तर में ही ना बिस्तर लगा के सो जाया करूंगा ताकि आप सब लोगों को यहां सुकून मिल जाए। और जुगनू को मना कर दे कि यहां मत आया करें। पड़ गई तुम्हें? मेरे बच्चों को स्कूल बर्बाद करके। अरे अब मेरे सर पे क्यों बैठी हो? जाओ यहाँ से। काफी अच्छा लड़का, इज क्वाइट इंटेलिजेंट। मैं तो समझता हूँ कि मिलने में कोई हर्ज नहीं है। ये इसके साथ कौन है? होगा उसका कोई दोस्त। मुरम इतनी जल्दी कहाँ दोस्त बनाती है किसी को? जहाँ तक इस लड़के का सवाल है, इसका तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। मुरम, कैसा लगा तुम्हें? I love you, love you, love you। मुझे तुमसे मोहब्बत है और तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। आपने ये तो पूछा ही नहीं कि शीरी भाभी से कॉल करवा के आपको क्यों बुलवाया मैंने। क्या मतलब? मैं ये चाहती थी कि मेरा ये सजना सवरना सबसे पहले आप देखें। अच्छा बस कर दो ना, अपना गुस्सा खत्म करो। जुगनू पागल है, अभी तक तुम्हें उसकी समझ नहीं आई है। आ गई है मुझे समझ, पर तो मुझे लगता है तुम्हें समझ नहीं आई और अनजान बन रहे हो सब कुछ देख के। आप मम्मी से कह दे मुझे शादी नहीं करनी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। मुझसे देखा नहीं जाता ना, मेरे दिल को कुछ होता है। इस तकलीफ में नहीं देख सकती, मेरे दिल को कुछ होता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपका यकीन करती हूँ ना, तो आप भी मेरी बात का यकीन करें हमजा। अल्लाह ने औरतों को ये सलाहियत दी है कि वो किसी की भी नजरों में बदनीयती देख के परख लेती हैं। तो मेरी बात सुन लो, वो तुम्हारे बारे में वो नहीं सोचती जो तुम उसके बारे में सोचते हो। उसकी नीयत कुछ और है और ये मेरा वहम नहीं है। छोड़, मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। इतना बड़ा दावा मत कीजिए, छोटे पड़ जाएंगे। मुझे क्या होने लग गया है? अगर जुगनू जाग जाती तो न जाने क्या समझती। आ रही हूँ भाई। कौन आ गया इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम भाभी। अब कौन सा तमाशा लगाने आई हो? भाभी बाज रही मैं तुम जैसी की भाभी होने से। और अल्लाह ना करे कि आज के बाद कभी भी आग लगाने वाली कोई भी बात में तुमसे पूछूं। कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी, मैं तो आपको ये बताने के लिए आई थी कि मैंने जुगनू को समझा दिया था। कैसे समझा दिया तुमने कि मेरी बच्ची को इज्जत भी तार तार कर दी तुमने। नहीं चाहिए तुम्हारा ऐसा समझाना, जाओ यहाँ से। अरे भाभी इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप, हुआ क्या है कुछ तो बताएं। तुमसे मैंने कहा भी था कि मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, बजाय इसके कि तुम मेरी परेशानी को दूर करती उल्टा तुमने मुझे हाथ जोड़कर पूरे घर के सामने माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्यों भाभी, क्यों? जानती हो जुगनू ने मेरी कितनी बेइज्जती की है। उसे ये लगा कि मैंने उसे तुम्हारे सामने बल्कि पूरे मोहल्ले वालों के सामने जलील किया और इस बात के लिए वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। बहुत हो गया सिद्रा, देखो आज के बाद ना तुम मेरे घर में कदम मत रखना, वरना तुम्हें दरवाजे से भी अंदर नहीं आने दूंगी मैं। भाभी आप मुझसे जैसी भी कसम ले ली, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने मोहल्ले में किसी से कोई भी बात नहीं की। आप बिला वजह शक कर रही हैं मुझ पे। जाओ यहाँ से। भाभी मैंने कहा जाओ यहाँ से। भाभी मेरी बात तो सुने। भाभी मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी शहीर से मुलाकात हुई? यूके चला गया था ना पढ़ाई के लिए, वो वापस आ गया। अच्छा तो बताओ ना क्या बातें हुई? कुछ नहीं, जब मैं हमजा से मिली थी तो मैंने तुम्हें एक एक बात बताई थी और तुम मुझे नहीं बता रही। तुम लोग का सीन कुछ और था, we're just friends। अच्छा जैसे मुझे पता ही नहीं है ना कि उस दिन तुम गुस्से में यूनिवर्सिटी से क्यों आई थी। शहीन ने मजाक में प्रपोज किया था ना, और तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि तुम गुस्से में क्यों आई थी। ओके बस इतनी पुरानी बात है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। अच्छा इसका मतलब है तुम्हारा बताने का मूड नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा मूड होगा तुम्हें मुझे बताना है। मामा को बताया है कि मैं आई हुई हूँ? बता दिया था, वो रास्ते में ही होंगी। हमजा भाई के साथ आई हो ना? हाँ, और उनको बोला है कि रात में मुझे पिक भी कर ले। आज रुक जाओ ना, बहुत सारी बातें करेंगे। नहीं कभी और रुक जाऊंगी, अभी मैंने लास्ट मिनट यूं हमजा को बताया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। भाई वो लड़ाई तो खत्म हो गई ना जो सामान भेजने की वजह से हुई थी। वो चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन ये जुगनू की वजह से जो लड़ाई होती है। जुगनू बताया था ना, हमारी नेबर। हाँ ये लो भाई, थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। अब बताओ क्या मसला चल रहा है? चंद दिन से मैं देख रही हूँ कि तुम कमरे में ही रहती हो, हद तक खाना भी कमरे में ही खा रही हो। बेटा घर वालों के साथ तो तुमने बैठना ही छोड़ दिया, क्या बात है? अम्मी ऐसे आपने इतनी बड़ी कहानी बना ली है। बताया तो था मैंने आपको, मंथली टेस्ट्स हैं, इसके बाद एग्जाम्स भी हैं, बहुत पढ़ाई है। राबिया मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम कब सच कहती हो कब झूठ कहती हो मुझे सब पता होता है। झूठ क्यों बोलूंगी मैं, हद करती हैं आप। तुम्हें जुगनू से कोई मसला है? कोई मसला नहीं। अच्छा बात तो तुम उससे करती नहीं हो, सामने आती है तो ऐसे गुजर जाती है और जाके फौरन कमरे में छुप जाती है। खुर्रम घर आता है तो साथ भी नहीं बैठती, क्या बात है बेटा? अच्छा भाई आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ बाहर आके बैठूंगी, प्रॉमिस। ठीक है, लेकिन मैं अब भी तुम्हारी बात से मुतमईन नहीं हूँ। ओहो, क्या खास बातें हो रही है माँ बेटी में, वो भी ऐसे छुप कर? कुछ भी नहीं, आ जाओ बेटे अंदर आ जाओ। नहीं नहीं, मैं आप दोनों की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, आप दोनों बातें करें। बस मुझे पूछना था, मैं चाय बना रही हूँ, आप पियेंगी? हाँ हाँ बना लो, बाहर जाके दोनों बैठ के पियेंगे। राबिया पढ़ाई कर रही है ना? बड़े आ रही हो। मम्मी मैं आपको क्या बताऊं, ये आपकी इतनी अच्छी नजर आने वाली बहू असल में कितनी खतरनाक है। शहीन की 3 मिस कॉल्स। हाय मारिया, कहाँ हो यार? कोई नाराजगी है क्या? तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। आई होप यू आर फाइन। जब भी फ्री हो मुझसे बात करो। अब ये क्या चाहता है मुझसे? क्या मसला है तुम्हारे साथ जुगनू? तुम्हें पता ना मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता, ऑफिस में होता हूं। क्या हुआ? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ खाकर मर जाऊं। कोई भी तो नहीं है मेरा, मैं किससे बात करूं? कोई मेरी दिल की बात सुनने वाला नहीं है। आपको शाम को कॉल करती हूँ तो आपकी बीवी आपके साथ होती है। हमारे पाक रिश्ते को न जाने वो क्या समझती है, इसलिए मैंने इस वक्त कॉल किया आपको। कुछ जरूरी बात है? आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कॉल बंद कर देती हूँ और आइंदा फिर कभी कॉल नहीं करूंगी। चाहे कितनी मुसीबत में क्यों ना हो। और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको कोई भी परेशानी हो। आप कॉल नहीं करूंगी। प्लीज जुगनू, ये इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं। बताओ मुझे क्या हुआ है। भाभी ने फरहान भाई के ऐसे कान भरे हैं कि उन्होंने मेरे घर आने पर पाबंदी लगा दी है। मैं अपनी माँ से भी नहीं मिल सकती, हालांकि इतना दिल चाहता है कि मैं अपनी माँ से मिलूं। पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम कर रही हैं कि मैं अपना घर नहीं बसाना चाहती। और खुर्रम अपनी बीमारी की वजह से दिन ब दिन उनका रवैया ही मेरे साथ अजीबोगरीब होता जा रहा है। हालांकि मैं तो इतना ख्याल रखती हूँ उनका। मेरे साथ ना बहुत बुरा हो रहा है, बहुत ही गलत। बस इतना कहना चाहती थी कि अगर आपको किसी दिन खबर मिले कि आपकी जुगनू इस दुनिया में नहीं रही तो हैरान नहीं होइएगा। बस अपनी जुगनू के लिए दुआ कीजिएगा। मुझे आपसे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। खुदा हाफिज़। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। धड़के